फोर्थ क्लास जैसा कि आप लोगों को पता है आज आप लोगों का लेसन नंबर नाइन स्टार्ट होने वाला है और हम लोग यूनिट नंबर थ्री स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम लोग यूनिट नंबर टू में पढ़ रहे थे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर होते हैं क्या होते हैं और हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे मतलब हम लोग कंप्यूटर्स में डिफ्रेंस पढ़े थे अब हम लोग स्टार्ट करने लगे कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होते हैं जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है ठीक है हम लोगों का यूनिट नंबर थ्री स्टार्ट होने लगा है अब आप लोगों के चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ सी ठीक है अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ सी पी यू सी पी यू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू सी पी यू किस चीज़ का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट इज़ अ बॉक्स शेप्ड पार्ट ऑफ कंप्यूटर इट हैज़ मैनी कंपोनेंट यूज फॉर डिफरेंट परपज परपज ठीक है अब ये इसकी शेप क्या होती है बॉक्स शेप होती है इट हैज़ मैनी कंपोनेंट इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज़ और डिफरेंट पर्पज़ के लिए वो कंपोनेंट यूज़ होते हैं सम ऑफ दैम आर बिलो जिनमें से कुछ नीचे आप लोग अभी रीडिंग करोगे उसमें ठीक है सबसे पहला क्या है हमारे पास पावर सप्लाई ठीक है इन एवरी कंप्यूटर पावर सप्लाई इज़ नेसेसरी हर कंप्यूटर में क्या होता है पावर सप्लाई जो होता है ज़रूरी होता है द पर्पज़ ऑफ़ पावर सप्लाई इज़ टू चेंज द इलेक्ट्रिसिटी फ्राम द वॉलेट लेट इन टू इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी यूज बाय द कम्प्यूटर अब पर्पज़ क्या होता है पावर सप्लाई का इज़ टू चेंज द इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी को वो चेंज करते हैं किस फॉर्म में जिस फॉर्म में कंप्यूटर को नीड होती है ठीक है अब वो इलेक्ट्रिसिटी हमसे लेते हैं और उस फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म में कंप्यूटर को चाहिए होती है क्या हुआ पावर सप्लाई कि पावर सप्लाई हर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और उसका परपज़ क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिस फॉर्म में कंप्यूटर को ज़रूरत होती है ठीक है उसके बाद हमारा पॉइंट है मदर बोर्ड ठीक है क्या किस चीज़ का कंपोनेंट है सी का मदर बोर्ड इज द लार्जेस्ट बोर्ड इन साइड सी के सबसे बड़ा बोर्ड कौन सा होता है सी के अंदर मदर बोर्ड का इट इज़ माउंटेड विद फाइबर ग्लास ये जुड़ा होता है फाइबर ग्लास से बना होता है फाइबर ग्लास से बिकॉज फाइबर ग्लास डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईच कंपोनेंट रिमेन सेफली सेपरेटेड फ्रॉम अदर कम्पोनेट अब फाइबर ग्लास का उसे क्यों ये कवर हुआ होता है कि ये जो है फाइबर ग्लास जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पकड़ता कैच नहीं करता जिसकी वजह से जो उसके साथ और कम्पोनेंट्स जुड़े होते हैं ना वो भी सेफ़ रहते हैं वो एक दूसरे से टच नहीं होते और, और मतलब एक दूसरे से स्पार्क नहीं करते ख़राब नहीं होते दूसरा कम्पोनेंट कौन सा है मदर बोर्ड का कौन सा क्या होता है ये सबसे लार्जेस्ट बोर्ड होता है किस में सी पी यू में होता है इट इज़ माउंटी और किसी से यह बना होता है फाइबर ग्लास से बना होता है फ़ाइबर ग्लास से अब क्यों बना होता है इसलिए बना होता है ताकि ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से इसका कनेक्शन नहीं होता मतलब वो कैच नहीं करता स्पार्क नहीं करता और उसकी वजह से दूसरे कंपोनेंट्स भी उसके अंदर सेफ होते हैं इट इज़ ब्रेन अब थर्ड हमारे पास क्या है प्रोसेसर ठीक है इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अब कंप्यूटर का ब्रेन क्या है प्रोसेसर है अंडरलाइन कर लें इस लाइन को इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर परफॉर्म आर प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर कि जैसे हमारा ब्रेन सारा काम हमारा कौन करता है समझता कौन है काम कौन करता है ऑर्डर्स कौन करता है हमारा ब्रेन करता है ह्यूमन में इसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन क्या हो गया प्रोसेसर हो गया वो उसको बताता है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है कैसे प्रोसेसिंग करनी है अब वो हमें क्या बता रहे हैं किस तरह से उसके ऊपर अमल करना है इट परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड या मिलियंस ऑफ़ कैलकुलेशन होते हैं एक पर सेकेंड के अंदर हमें काम करके दे देता है इस लाइन को अंडरलाइन करें क्या है इट पर ऊपर मदरबोर्ड की भी पिक्चर बनी हुई है ये इस तरह का मदरबोर्ड होता है अब प्रोसेसर की भी आप लोगों के पास पड़ी हुई है भी थोड़ी सी आप लोगों को दिखाई हुई है आप एग्जांपल्स देखें मॉडल्स देखें पेंटियम वन इंटेल इंटेल का होता है कौन सा पेंटियम वन इसी तरह पेंटियम टू होता है इसी तरह पेंटियम थ्री होता है इसी तरह पेंटियम फोर होता है ठीक है क्या हमने अभी पढ़ा अभी मदर बोर्ड पड़ा प्रोसेसर पड़ा है मदर बोर्ड क्या होता है सबसे लार्जेस्ट बोर्ड होता है और ये फाइबर ग्लास से बना होता है और प्रोसेसर क्या होता है ये हमारे कंप्यूटर का सीपीयू का मतलब कंप्यूटर का ब्रेन होता है ये हमें बताता है कि हमने कैसे परफॉर्म करना है कंप्यूटर को बताता है जैसे हमारा ब्रेन हमें बताता है इसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन क्या हुआ प्रोसेसर वो उसको बताता है कि आपने अभी क्या काम करना है ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैम रैम क्या होता है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी किस चीज़ का एप्लीकेशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी आर स्टैंड फॉर रैंडम ए एक्स स्टैंड फॉर एक्सेस एंड एम स्टैंड फॉर मेमोरी इट इज़ आल्सो माउंटेड इन द मदरबोर्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ चिप अब ये क्या होता है ये मदरबोर्ड की एक चिप होती है मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होता है मदरबोर्ड अभी आप लोगों ने ये देखा है ये ऊपर आप लोगों के पास मदरबोर्ड है इसी के अंदर ये क्या लगा होता है रैम लगी होती है वो एक छोटी सी चिप होती है जो आप लोगों को नज़र भी आ रही होती है ये मदरबोर्ड के अंदर फिक्स हुई होती है ठीक है अब होती क्या है इत इत ये इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ये टेम्प्रेरी मतलब थोड़ी देर के लिए रुकने वाली मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की मेमोरी होती है मेमोरी मतलब दिमाग उसकी यादाश्त कुछ भी कह सकते हैं आप लोग मेमोरी का आप लोगों को पता है आर प्रोग्राम्स आर लोडेड इन रैम तमाम जो प्रोग्राम होते हैं वो किस में लोड होते हैं रैम में अंडरलाइन करें इस लाइन को आर प्रोग्राम्स आर लोडेड इन रैम क्या होता है कि प्रोग्राम्स लोड होते हैं किस में रैम में वन कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ इट रेज आर डाटा जब कंप्यूटर हम बंद करते हैं तो टेम्प्रेरी मेमोरी है ना रैम क्या है टेम्प्रेरी मेमोरी है जब जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं जो हमने उसके अंदर सारा प्रोसेस कंप्यूटर में किया था वो सारा उसको रेज कर देता है क्योंकि ये टेम्प्रेरी है थोड़ी देर रुकने वाली है रैम क्या हुआ रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमरी इट इज़ और ये किस चीज़ का पार, पार्ट होती है मदरबोर्ड का पार्ट होती है क्या होती है एक छोटी सी चिप होती है और यह होती है थोड़ी देर रुकने वाली मेमोरी होती है टेम्प्रेरी का मतलब है थोड़ी देर रुकने वाली और जैसे ही हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं वो सारा डाटा उसके अंदर से रिमूव कर देती है उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोम रोम क्या होता है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी जैसे रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमरी रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमरी आर स्टैंड फॉर रीड ओ स्टैंड फॉर ओनली एम स्टैंड फॉर मेमरी अब रैम क्या थी टेम्प्रेरी मेमोरी थी अब रोम क्या होगा इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी कि ये परमानेंट रहने वाली सेफ रहने वाली मेमोरी होती है एंड रीड मेमोरी क्या हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ इट डज़ नॉट रेज ऑल डाटा अब रैम क्या कर रहा था जैसे हम लोग कंप्यूटर बंद करते थे उससे हमारा सारा डाटा रेज कर देता था अब रोम ऐसा नहीं करता रोम क्या करता है जैसे हम लोग कंप्यूटर बंद करते हैं वो हमारा डाटा रेज नहीं करता वैसे का वैसे ही मतलब जैसे हम लोग फाइल्स बना के फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने कोई कार्टून वगैरह कोई नाथ वगैरह सेव कर लिया है तो आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो डिलीट सेव है ना डिलीट तो नहीं होगी तो क्या होता है ये रोम में सेव हो जाती है वो तो आपका डाटा रेज नहीं होता रोम इज़ नॉन वोला मेमोरी और रोम क्या है नॉन वोला मेमोरी है ठीक है स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है सबसे पहले हमने वर्किंग ऑफ सी पी यू सी पी यू के कितने कंपोनेंट्स हैं मैं बहुत सारे हैं जिसमें से आज हम लोगों ने पढ़ा पावर सप्लाई पढ़ा है उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है मदर बोर्ड पढ़ा है प्रोसेसर पढ़ा है रैम पढ़ा है और रोम पड़ा है ठीक है अब मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को पावर सप्लाई क्या होती है हर कंप्यूटर के लिए ज़रूरत होती है इसके और जो होती है ना ये उसको कंप्यूटर मतलब इस चीज़ में लाइट आपके इलेक्ट्रिसिटी को उस फॉर्म में बना देती है जिस फॉर्म में कंप्यूटर को ज़रूरत होती है उसके बाद मदर क्या होता है लार्जेस्ट बोर्ड होता है वो क्या किसी से बना होता है फाइबर ग्लास से बना होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या है? और फाइबर ग्लास से क्यों बनाता है ताकि दूसरे कंपोनेंट्स भी उसके उसके, उसके अटैच है वो भी सेव रहें और स्पार्क ना करें प्रोसेसर क्या होता है ब्रेन होता है ठीक है प्रोसेसर क्या होता है ब्रेन होता है, है? है? है आपके कंप्यूटर का आपके पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई है। हैं ये नीचे आपको फॉर्म भी बताया हुआ है और ऊपर इसी तरह मदरबोर्ड की भी आपको एग्ज़ाम्पल दी हुई है फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रैम रैम की भी आपको दी हुई है रैम क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है टेम्प्रेरी मेमोरी होती है आपका डाटा रेज कर देती है जैसे ही आप लोग कंप्यूटर ऑफ करते हो रोम क्या होती है रीड ओनली मेमोरी होती है और आपका डाटा uh, मतलब रेज नहीं होता आप जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करते हो सेफ रहता है उसके बाद आ जाए आप लोग एक्सरसाइज के ऊपर इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को वो आपको करवा दूंगी राइट एनी फोर मेन कंपोनेंट इन साइड द सी पी यू ठीक है आपके फ़ोर मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा है अभी आप लोगों ने आज ही पढ़ा ये देखें सबसे पहला कौन सा है पावर सप्लाई मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम रोम इसमें से आप लोगों ने कोई से चार बताने तो आप लोग क्या लिखोगे द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ सी पी यू इज़ मदर बोर्ड प्रोसेसर नंबर थ्री रैम नंबर फोर रोम ठीक है उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन वट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ पावर सप्लाई पावर सप्लाई का पर्पज़ क्या होता है द पर्पज ऑफ पावर सप्लाई इज़ टू चेंज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वॉलेट लेट इन टू इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी यूज बाय द कम्प्यूटर क्या मदर पावर सप्लाई का पर्पज़ क्या होता है कि वह आपकी इलेक्ट्रिसिटी को उस फॉर्म में चेंज कर देता है जिस फॉर्म में आपके कंप्यूटर को ज़रूरत होती है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री Why did the motherboard बोर्ड माउंट विद फाइबर ग्लास क्या मदर बोर्ड जो होता है वो फाइबर ग्लासे के साथ क्यों जुड़ा होता है क्यों उससे मतलब सील हुआ होता है अब उसका भी हम लोगों ने पढ़ा मदर बोर्ड इज माउंटेड विद फाइबर ग्लास मदर बोर्ड जो होता है फाइबर ग्लास से माउंटेड होता है बिकॉज फाइबर ग्लास डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईच कंपोनेंट रिमेन्फ सेपरेटेड फ्रॉम कम्पोनेंस के इसलिए इसलिए जुड़ा होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कैच नहीं करता और दूसरे कंपोनेंट जो उसके साथ जुड़े होते हैं मदरबोर्ड के अंदर आप लोग देखिए एक चीप पर काफ़ी सारे उसके अंदर अटैच होते हैं तो दूसरे अटैच जो होते हैं वो भी उसके साथ मतलब स्पार्क नहीं करते अटैच नहीं होते उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता उनको उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर वट इज़ प्रोसेसर एंड राइट सम मॉडल ऑफ प्रोसेसर कि आपके पास प्रोसेसर कौन से हैं और उसके कुछ आप लोगों ने मॉडल्स बताने हैं उसके हैं आंसर आप लोग ऐसे लिखेंगे प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अभी हम लोग मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसर क्या होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है प्रोसेसर परफॉर्म ऑल प्रोसेस इन कंप्यूटर क्या होता है कि प्रोसेसर जो होता है ऑल आपके सारे परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होना होता है जो भी परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म होना होता है कौन करता है वो प्रोसेसर करता है अब सब कुछ एग्जांपल्स कौन सी हैं मैंने अभी आप लोगों को दिखाई भी थी सब मॉडल्स आपको दिखाए हुए आपकी बुक में एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कौन सी पेंटियम वन पेंटियम टू एंड पेंटियम थ्री ये आप लोग एग्ज़ाम्पल्स लिखोगे ओके okay? उसके बाद फोर्थ क्लास ये देखें आप लोगों की ये डायरी है वीकली डायरी मंडे को आप लोगों ने क्या करना है फर्स्ट पेज की रीडिंग करनी है ट्यूसडे को आप लोगों ने क्या करना है सेकेंड पेज की रीडिंग करनी है वेनसडे को आपने क्या करना है जो आप लोगों के पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं ना आप लोगों ने उसको नंबर वन टू थ्री फोर इस तरह ड्रा करना है और उसको लर्न करना है आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए कि कितने कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से हैं ठीक है थर्सडे को आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के करवाए आप लोगों ने उसको बुक uh, ऑन बुक आप लोगों ने बुक के ऊपर राइट करने है फ्राइडे को आप लोगों ने यही क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों ने याद करके नोटबुक के ऊपर नीट नीट राइट करना है ठीक है और सैटरडे को आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को लर्न करना है और मुझे सुनाना है अब आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई या कोई भी मसला हो रहा है आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप लोग व्हाट्सएप में भी मेरे से पूछ सकते हैं मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूँगी ओके okay बच्चों अल्लाह हाफिज़